आज का वीडियो लाइटिंग अरेस्टर इंस्टॉलेशन पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टेक्नीशियन ज्ञानेश्वर। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको लाइटिंग अरेस्टर जो होता है उसके इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये रहे लोहे के रिपीट होते हैं, ऐसे लोहे के रिपीट मिल जाते हैं जो दोनों पट्टी को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो उसको भी कैसे देखेंगे बारी बारी से, आप सब पता चलेगा कैसे करनी चाहिए कैसे नहीं करनी चाहिए। देखिए नीचे से मैंने रिपीट को रख दिया है और ऊपर से नट बोल्ट से इसके ऊपर ठोक के उसको छेद गिराऊंगा। ये देखिए नट बोल्ट रखा और ऊपर से ज़ोर से ठोक देने का तो ये रिपीट बाहर आ जाएगा। इसी तरह से मैंने पूरी 35 फीट की चार जॉइंट कर दिया मैंने, जिससे 35 फीट में मैंने ये बना लिए लोहे की अर्थिंग, यानी कि अर्थिंग की जो पट्टी होती है ये बना लिए पूरी लोहे की है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं कि ये कैसे बनाई आपने। देखिए पूरी हो चुकी है मेरी, कम से कम 30 या 35 फीट है ये, आपके घर के हिसाब के अनुसार आप भी बना सकते हो। तो चलिए ज़रा नज़दीक से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये लोहे की पट्टी है, आसानी से मिल जाती है आप किसी भी हार्डवेयर के अंदर दुकान में, जितनी जार हो सके उतनी जार ले लेंगे। तो ये रहा उसके रिपीट भी मैं दिखाता हूँ मैं आपको कि मैंने कैसे उसके जॉइंट बना दिया है। ज़्यादा 10-10 फीट की आती है ये, 3 से 4 जॉइंट मैंने बना दिए। देखिए ये रहे रिपीट, इससे क्या होता है एक जॉइंट हो जाता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थिंग मिल जाती है, इससे मदद मिल जाती है स्ट्रॉन्ग अर्थिंग बनाने में। तो चलिए मैं अब तुमको किसी और की पहले इंस्टॉलमेंट दिखाता हूँ। तो ये रहा किसी और ने फिटिंग की वाली है, ये सोलर पैनल घर के ऊपर बिठाए हैं। तो देखिए उन्होंने भी ऐसी जिया यानी कि लोहे की पट्टी और वो भी दीवार को लगा के फिट करके बता दिए, ना ही इसको इंसुलेशन कुछ भी नहीं लगाया इसके ऊपर, सीधा दीवार को खीले मार के या स्क्रू मार के उसको फिट कर दिया। ये घातक हो सकता है क्योंकि जो बिजली गिर जाती है आसमान से तो डायरेक्ट सीधे दीवार को टच है। ये देखिए नज़दीक से दिखाता हूँ मैं आपको, छूकर भी देखिए ये दीवार के अंदर ही फंसा लिए है। इससे क्या होता है जो ऊपर का बिजली का करंट आता है वो सीधा दीवार पे चला जाता है और इससे भी आपका इन्वर्टर ख़राब हो सकता है, आपके घर के उपकरण ख़राब हो सकते हैं और आपके घर के ऊपर भी पड़ सकती है। तो चलिए मैं अपना दिखाता हूँ कि मैंने कैसे उसको इंस्टॉलमेंट किया है, कैसे मैंने उसकी फिटिंग की है लाइटिंग अरेस्टर की। तो देखिए पहले तो ड्रिल से मैं उसको होल कर दूँगा, 6 इंच का मैंने होल कर दिया है और 1 इंच का पाइप इसके अंदर डाल दूँगा, वो भी आपको बारी बारी से आगे पता चल जाएगा। तो बने रही वीडियो के साथ। देखिए ड्रिल से मैंने उसको होल बना दिया है, ये देखिए करीब करीब 6 इंच नीचे बना दिया है मैंने और यहाँ से पट्टी नीचे अर्थिंग का खड्डा मैंने खोद दिया है। पिछला वीडियो अपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए मेरा वीडियो। तो ये देखिए 1 इंच का पाइप मैंने लिया है करीब करीब 1.5 फीट, तो इसके अंदर 6 फीट में डाल दूंगा और 1 फीट ऊपर रहने दूंगा। तो ये रहा लाइटिंग अरेस्टर, इसको भी एक मैंने छेद गिरा दिया है। ये रहा लाइटिंग अरेस्टर जो बनाया है, इसका भी वीडियो मैंने बनाया है, वो भी आप जाके देख सकते हो। तो जो दोनों को भी छेद क्यों मैंने गिरा दिए वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूँगा। देखिए ये 2 छेद, इसके अंदर मैं नट बोल्ट डाल दूँगा क्योंकि ये ज़मीन के ऊपर रहेगी, 4 इंच दीवार से ऊपर रहेंगी। देखिए दीवार को टच नहीं होनी चाहिए तो कोई फ़ायदा नहीं है वो लाइटिंग अरेस्टर बिठाने का, अगर दीवार पर बिठा लिया तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए इस नट बोल्ट से ऊपर रहेगी 4 इंच। तो चलिए पहले उसको हम फिट कर देते हैं, कॉन्क्रीट से इसे फिट कर दिया मैंने। तो ठीक है यहाँ पे मैंने डाल दिया है, अभी कॉन्क्रीट डाल दिया है यहाँ से अंदर, तो उसको फिट हो गया है। तो चलिए कल देखेंगे अगले दिन मैंने उसको इंस्टॉलमेंट कैसे करते हैं। देखिए दूसरे दिन मैंने जब उसको थोड़ा सा सूख गया है तो अब उसको उसे फिट करेंगे। देखिए ऊपर से मैंने उस छेद के अंदर डाल दिया है, वो पाइप डाल दिया है लाइटिंग अरेस्टर को, और जो छेद है वहाँ से एक नट बोल्ट डाल दूंगा मैं, जो अर्थिंग का स्पेशल नट बोल्ट आता है तो वो मैंने डाल दिया है। ये देखिए हार्डवेयर की किसी भी दुकान पर आसानी से आपको मिल जाएगा नट बोल्ट। ये जेट पंप को इस्तेमाल किया जाता है या सबमर्सिबल के
अंदर भी लगाया जाता है ये नट बोल्ट। ये 3 से 6 इंच या 1 फिट का भी मिल जाता है। ये मैंने 3 इंच का लाया है। ये देखिए इसके अंदर से मैंने डाल दिया है और ये ऊपर ही है लाइटिंग का रजिस्टर। तो चलिए ये पट्टी लोहे की फिट कर देता हूँ। देखिए उसको मैंने एक छेद बना लिया है जैसे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये पट्टी हम पहले नीचे छोड़ देंगे, बाद में उसको उस पट्टी के अंदर बिठाएंगे। तो चलिए इस पट्टी को पहले खोलते हैं और नीचे छोड़ देते हैं। यहाँ से हमको नीचे तक जाना है, इसकी फिटिंग करते हैं, इंस्टॉलेशन करना है इसका अपन को। तो चलिए इसको बारी बारी से मैं आपको सब बता देता हूँ। तो चलिए पट्टी तो चली गई नीचे, तो चलिए इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो जो मैंने छेद गिराया था इस नट बोल्ट के अंदर हम डाल देंगे। ये देखिए जैसे आपको दिखाई दे रहा है, और ये रहा नट बोल्ट, और इसके ऊपर से नट मैं टाइट कर दूंगा। ये रहा कुछ इस तरह से, इसको अच्छे से और ऐसे पेंचिस से या पकड़ से किसी पहाने से भी आप उसको टाइट कर सकते हो। तो चलिए मैं इसको इंसुलेटर लगा देता हूँ, क्योंकि ये दीवार को अच्छी तरह से पकड़ में साम नहीं आना चाहिए, दीवार से ऊपर ही आना चाहिए, इसलिए मैं इंसुलेटर मैंने बना लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको दिखाता हूँ मैं। ये रहा, ये पीवीसी पाइप का मैंने 1 इंच के पीवीसी यूपीवीसी पाइप का बना लिया है। ये इंसुलेटर बना लिया है, पीछे से 2 छेद गिरा दिए और 2 खिले इसके मार के, इसको मार के ऊपर से 1 स्क्रू कस दूंगा, वो भी आपको अभी दिखाऊंगा। तो ये रहा मेरा इंस्टॉलेशन हो चुका है, लाइटिंग अरेस्टर मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया है, इंस्टॉल कर दिया। तो देखिए ये रहा, पानी भी डाल के देखते, ये दीवार से ऊपर है, ये देखिए 4 इंच कम से कम ऊपर रहना चाहिए, यही लगा सकते हैं। नहीं तो कोई कोई क्या कहता है, दीवार के ऊपर ही लगा लेते हैं। ये देखिए पानी डालते हैं फिर भी उसके ऊपर करंट नहीं आएगा। ये देखिए ऊपर भी रहना चाहिए और दीवार से नज़दीक नहीं होना चाहिए, दीवार से थोड़ी 2 इंच की दूरी बनाए रखनी चाहिए, इसलिए मैंने इंसुलेटर बनाए ये यूपीवीसी पाइप के 1 इंच के। तो मैंने आसानी से बना सकते हैं आप। ये रहा ऊपर से मैंने स्क्रू भी लगा लिया है ताकि इधर उधर नहीं हिल सके। तो ये मेरी फिटिंग रही है कुछ इस तरह से, और आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने कैसी बनाई है फिटिंग। तो ये देखिए दीवार से 2 इंच ऊपर ही रहना चाहिए, क्योंकि बिजली जब गिरेगी तो इसका होल्ट सीधा सीधा ज़मीन के अंदर ही जाना चाहिए, दीवार से नहीं लगने चाहिए। तो ये ऐसा करने से आपका घर भी बहुत सुरक्षित रहता है, और जो किसी ने बनाई है वो कोई काम की नहीं है। दीवार के ऊपर अगर दीवार से लगी हुई तो कोई काम की नहीं है। ये देखिए जगह जगह पे 3-4-5 जगह से मैंने इंसुलेटर लगा लिए हैं, देखिए कुछ इस तरह से। ये देखिए सभी के यहाँ पे मैंने 2-2 इंच का गैप रख दिया है। तो इससे क्या होता है, आपके घर को या मकान को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। तो देखिए ये देखिए सीधी एक तरफ से बना लिया मैंने, ये देखिए दूसरी मंजिल से मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो चलिए यहाँ पे मेरी पूरा इंस्टॉलमेंट मैंने कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे नट भी लगा लिया है, अर्थिंग का खड्डा बना लिया था। पिछला वीडियो अगर नहीं देखा मेरा तो आप देख लीजिए। तो ये देखिए यहाँ से मैंने पट्टी को मोड़ दिया है और ऊपर ले गया है। तो ये देखिए पूरा मेरा करीब करीब ये पूरा हो चुका है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको कि जो पिछला वीडियो किसने जो बनाई और मेरी कैसे बनाई, ये भी आप देख लो। इसको भी मैं दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे दूसरे ने बनाई और मैंने कैसे बनाई। ये देखिए मेरी पट्टी, ये रही दीवार से 2 इंच और भी है। तो देखिए ये तो दूसरे ने बनाई है, एक तरफ दूसरे ने बनाई दिखा रहा हूँ मैं आपको, और एक तरफ जो मैंने बनाई वो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये देख लीजिए कैसी होनी चाहिए और कैसी नहीं है। ये देखिए इससे पहले वाले से मेरी अच्छी वाली है, क्योंकि ये दीवार से 2 इंच बाहर है और ये सीधे सीधे दीवार को लगे वाली हैं, तो ये गलत है। तो चलिए आप अपने आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैंने पूरे बना लिए हैं और ऊपर लाइटिंग अरेस्टर भी मैंने बिठा लिया है। तो ये देखिए ये रहा ऊपर मेरा लाइटिंग अरेस्टर, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये रहा लाइटिंग अरेस्टर। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको नीचे भी जो मैंने बना लिया है कैसे। तो देखिए आज के वीडियो में बस इतना ही।
कैसे करना है, क्या करना है, आपको सब मिल चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।